सो चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक रहेगा एंटी मार्कोवनिकोव रूल। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं यहां पे, सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, फिर उसके बाद इसको समझेंगे, फिर इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा, और फिर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको मार्कोवनिकोव रूल कब लगाना है और एंटी मार्कोवनिकोव रूल कब लगाना है। हालांकि जब आप इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि यहां पर एंटी मार्कोवनिकोव रूल आपको एक्चुअल में लगाना कब है। तो सबसे पहले लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए एंटी मार्कोवनिकोव रूल आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्कीन्स, ठीक है, और एल्काइंस दोनों पे लगा सकते हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस दोनों पे लगा सकते हैं। देखिए, ये मैंने मार्कोवनिकोव का जब कराया था तब एल्काइंस मेंशन नहीं किया था, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, मार्कोवनिकोव चाहे एंटी मार्कोवनिकोव आप एल्कीन और एल्काइन दोनों पे लगा सकते हैं, क्लियर हो गया। तो यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं। अब इनको हम लोग कंबाइन में से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहलाते हैं। जिसको पता नहीं है एल्कीन क्या होता है, जहां पर कार्बन टू कार्बन क्या हो डबल बॉन्ड, ये मैं बता दे रहा हूं, और एल्काइन्स किसको कहते हैं, जहां कार्बन टू कार्बन क्या हो ट्रिपल बॉन्ड। तो ये तो हो गया आपके लिए एल्काइन और ये हो गया आपके लिए एल्कीन, तो यहां पर लगाया जाता है। चलिए दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चलते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका नाम, इसका नाम क्या है, एंटी मार्कोवनिकोव रूल। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको एंटी मार्कोवनिकोव रूल कहते हैं, एक्चुअल में इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट, क्योंकि ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ही मार्कोवनिकोव का उल्टा काम करती है। मार्कोवनिकोव में जैसा एडिशन होता है उसका जस्ट अपोजिट एडिशन कब होता है, जब आप पेरोक्साइड की प्रेजेंस रखोगे, क्लियर हो गया। सो इसको हम लोग पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। अब पेरोक्साइड का मतलब जरा ध्यान से इसको समझिए, पेरोक्साइड का मतलब H2O2, यहां पर ऑक्सीजन कैसा होना चाहिए, ऑक्सीजन पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग पेरोक्साइड, जैसे कि H2O2, या फिर आप बेंजोइल पेरोक्साइड का भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H5C डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहां पर दिखाई दे रहा है सब लोगों को, और फाइनली यहां पर O O, यहां पर C डबल बॉन्ड O C6H5, ठीक है, इसको हम लोग बेंजोइल पेरोक्साइड कहते हैं और इसको हम लोग इस्तेमाल भी करेंगे। मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड, यहां पर पेरोक्साइड लिंक होना चाहिए, दैट्स इट। और आप ध्यान से इसको देखिए, यहां पर पेरोक्साइड लिंक है, यहां पर ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, ये सबको मालूम है। सो यहां पर इसको हम लोग पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, पेरोक्साइड का, और उसी की वजह से ही मार्कोवनिकोव का उल्टा रूल अप्लाई होने लगता है। अब वो कैसे होगा मैं आपको मैकेनिज्म में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हम लोग खराश रूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड खराश रूल, क्योंकि इसे खराश जो साइंटिस्ट था, जो केमिस्ट था, उसने देखा था, उसने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था, ये ध्यान रखना आपको, इसको खराश रूल भी कहते हैं, क्लियर हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चलते हैं, पॉइंट नंबर 3 मैं यहां लिख देता हूं, जो सबसे नीचे लिख रहा हूं, दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट। और एक्चुअल में खराश ने ये सारी चीज देखा था किसके ऊपर, जब वो किसका एडिशन करा रहा था, वो करा रहा था हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एडिशन, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है, जिसको हम लोग HBr भी कहते हैं, सिर्फ HBr के एडिशन में ही उसको ये सब चीजें महसूस हो रही थी। तो दिस इज अगेन सो मच इंपॉर्टेंट, आपको ये इफेक्ट HCl में नहीं दिखेगा, HI में नहीं दिखेगा, HF में तो कतई नहीं दिखेगा, क्योंकि HF में तो मार्कोवनिकोव रूल भी नहीं दिखता था। ये सब चीजें जो आपको एंटी मार्कोवनिकोव में दिखाई देंगी, वो सिर्फ और सिर्फ कहां दिखाई देंगी, हाइड्रोजन हैलाइड में, सिर्फ HBr के अंदर। मैं क्लियर करता हूं, हाइड्रोजन हैलाइड में, आई एम टॉकिंग अबाउट कि हाइड्रोजन हैलाइड में सिर्फ HBr में ही, यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड में ही ये चीज दिखाई देगी, एंटी मार्कोवनिकोव का रूल। यहां पर HCl की प्रेजेंस में नहीं होता है, HI की प्रेजेंस में नहीं होता है, HF की प्रेजेंस में तो कतई नहीं होता है, क्लियर हो गया। सो चलिए अब आगे चलते हैं, फाइनली हम लोग पॉइंट नंबर 3 तक पहुंच गए। इनके रीजन भी मैं आप लोगों को स्पेसिफाई करूंगा जब मैं मैकेनिज्म बताऊंगा, उससे ज्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो 3 पॉइंट हो गए, सो चलिए अब हम आगे चलते हैं, फाइनली पॉइंट नंबर 4 विच इज अगेन सो मच इंपॉर्टेंट, और पॉइंट नंबर 5 में आपको रिएक्शन बताऊंगा। पॉइंट नंबर 4 देखिए, सो फाइनली आपको पता है मार्कोवनिकोव जो हमने पढ़ा था, तो मार्कोवनिकोव में कौन सी रिएक्शन होती थी, वहां पर होती थी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अकेले मार्कोवनिकोव की बात कर रहा हूं, अगर मार्कोवनिकोव को बात करें तो वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती थी, याद है, जिसने नहीं देखी है तो प्लीज आप जाके प्लेलिस्ट में चेक करिए, ट्रिक वीडियो में आपको मार्कोवनिकोव मिल जाएगा, वहां पर मार्कोवनिकोव एडिशन रिएक्शन होता था। लेकिन यहां पर
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वहां पे होता था, सॉरी, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होने वाला। वहां पर कोई इलेक्ट्रोफाइल आता था और अटैक करता था, यहां पर ऐसा कोई सीन नहीं है। यहां पर कैसी रिएक्शन होगी जरा चेक करिए, यहां पर फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगी। एडिशन रिएक्शन ही, यहां पर एडिशन ही होने वाला है, लेकिन फ्री रेडिकल से होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होगी। तो ये फोर्थ पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोबारा बोल देता हूं, यहां पर फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होने वाली है। अब ये सब चीजें आप जैसी मैकेनिज्म देखोगे ना, तब आसानी से मालूम पड़ जाती है। अब ध्यान रखिएगा, एंटी मार्कोवनिकोव का रूल फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन को फॉलो करता है और यह पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है। जब मैकेनिज्म देखोगे तो बहुत आसान हो जाएगा ये, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट पे मैं आप लोगों को एक रिएक्शन के थ्रू बताता हूं कि एंटी मार्कोवनिकोव रूल को लगाना कैसे, बड़ा आसान है। देखिए एंटी मार्कोवनिकोव रूल एक्चुअल में अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन पे लगता है। जैसे कि सबसे पहले आपको क्या लेना है, देखिए प्रोपीन ले लेते हैं, अगेन CH3 और यहां पर मैंने लगा दिया CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए सबसे पहले हमने कहा था या एल्कीन पे लगाओगे या एल्काइन पे, अनसैचुरेटेड होना चाहिए, बिल्कुल अनसैचुरेटेड है। यहां पर हमने डबल बॉन्ड वाला एक कंपाउंड ले लिया है, ठीक है। अब उसपे ऊपर क्या है, HBr का एडिशन, सिर्फ HBr से ही ये शो होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेना है, उस पर HBr का एडिशन कराना है, लेकिन यहां तक बात नहीं बनेगी। अगर एरो पे अगर आप जब तक आप नहीं लिखोगे पेरोक्साइड, तब तक आप एंटी मार्कोवनिकोव नहीं लगा सकते। या फिर आप यहां पर लिखोगे C6H5CO2, सही है, CO2, और यहां पर मैं दो लगा देता हूं। ये देखिए मैंने बेंजोइल पेरोक्साइड को इस एरो पे लिख दिया। अब आप तुरंत समझ जाइएगा, जब भी आपको पेरोक्साइड दिखाई दे, बेंजोइल पेरोक्साइड दिखाई दे, तो आपको एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगाना है, ठीक है। ये आप ध्यान रखना है, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स पे लगता है। अनसिमेट्रिकल का मतलब यहां पर जो डबल बॉन्ड से कार्बन जुड़े हुए हैं उसके इस तरफ और उस तरफ अलग अलग ग्रुप हैं, क्योंकि अगर सेम होते फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना था, आप HBr कहीं भी लगा देते, इस चीज को समझिए, ठीक है। तो चलिए यहां पर एडिशन कैसे होगा जरा चेक करो। यहां में हमें यही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इस डबल बॉन्ड के ये जो कार्बन है उसमें एक हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप है, जबकि इस तरफ कार्बन है उसमें दोनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो हम हाइड्रोजन किसको दें और ब्रोमीन किसको दें, ठीक है। तब हमें महसूस होता है प्रॉब्लम, और तब हम लोग मार्कोवनिकोव और एंटी मार्कोवनिकोव का रूल इस्तेमाल करते हैं। तो फाइनली यहां पर क्या करना है, जब आपको पेरोक्साइड दिखाई दे, HBr दिखाई दे, एल्कीन दिखाई दे, ये तीनों के डेडली कॉम्बिनेशन दिखाई दे, तो आपको एंटी मार्कोवनिकोव यानी कि मार्कोवनिकोव का उल्टा। मार्कोवनिकोव क्या कहता था, मार्कोवनिकोव ये कहता था कि इसमें जो नेगेटिव पार्ट होएगा वो वहां जुड़ेगा जहां पर जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन कम हो, जिस डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन कम हो, उसका उल्टा करना है। उल्टा क्या होगा, अब Br उस तरफ जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा हो, तो इसका मतलब आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा इसका वो क्या बनेगा, CH3, उसके बाद CH, जब ये बॉन्ड तोड़ दोगे तो इसको आपको एक हाइड्रोजन देना है, यानी कि हाइड्रोजन इसको दे देना है और ब्रोमीन इसको दे देना है, इसी को बोलेंगे एंटी मार्कोवनिकोव, मार्कोवनिकोव का उल्टा। क्लियर हो गया सब लोगों को? सो फाइनली ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ये आपका जो होगा मेजर प्रोडक्ट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूं, फिर इसकी मैकेनिज्म पे चलते हैं। सो फाइनली देखिए एंटी मार्कोवनिकोव रूल, आप एल्कीन्स और एल्काइन्स कहीं भी लगा सकते हैं, पेरोक्साइड की प्रेजेंस जरूरी है, इसको हम लोग खराश रूल भी कहते हैं और पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। यहां पर यह सिर्फ HBr के साथ दिखाई देगा और कहीं नहीं, और यहां पर यह फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, ठीक है। यहां पर आपको सबसे पहले तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन चाहिए, उसके साथ HBr चाहिए, साथ में एरो पर पेरोक्साइड लिखा होना चाहिए, पेरोक्साइड में H2O2 भी लिखा हो सकता है, ये भी लिखा हो सकता है, उससे हमारे पास एंटी मार्कोवनिकोव का उल्टा नियम लगाना है। मार्कोवनिकोव का उल्टा क्या हो जाएगा कि नेगेटिव वाला उस तरफ जोड़ दो जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो, जिस डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ क्या हो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो, तो मैंने वहां Br जोड़ दिया, ठीक है। तो बॉन्ड तोड़ा तो इसको भी एक हाइड्रोजन देना पड़ेगा जो उसके पास था, यानी कि H दे दिया इसको और Br दे दिया इसको, इस तरह से हमने फाइनल रिजल्ट की तरफ पहुंच गए। चलिए अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको उसका मैकेनिज्म बताता हूं, उससे ज्यादा समझ में आएगा, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए। सो चलिए गाइस, अब एंटी मार्कोवनिकोव के पीछे का मैकेनिज्म क्या है उसको समझते हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपसे कहा था कि एंटी मार्कोवनिकोव रूल के लिए आपको पेरोक्साइड की प्रेजेंस जरूरी है, तो मैं यहां पर बेंजोइल पेरोक्साइड लेता हूं, जरा ध्यान से उसको देखिए, मैं यहां पर बेंजोइल पेरोक्साइड लिया, देखिए C6H5, ठीक है, यहां पर ये C डबल बॉन्ड O, उसके बाद यहां O, यहां पर O, यहां पर CO, C6H5, इसको हम लोग बेंजोइल पेरोक्साइड कहते हैं, ध्यान से उसको देखिएगा। अब सबसे पहले होगा क्या, सबसे पहले होगा कुछ यूं कि ये जो पेरोक्साइड लिंक है ना ये टूटेगा,
ये वाला जो मेन लिंक है दिखाई दे रहा है सब लोगों को। सो फाइनली इस मैकेनिज्म में सबसे पहला पार्ट ये कि पेरोक्साइड लिंक टूटेगा, ठीक है, विच इज वीकर। तो यहां पर होगा कुछ यूं, क्योंकि ये भी ऑक्सीजन है ये भी ऑक्सीजन है तो दोनों सेम पावरफुल है, तो यहां पर होगा कुछ यूं कि यहां पर अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। इसको होमोलिटिक क्लीवेज बोलते हैं। होमोलिटिक क्लीवेज में ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाते हैं, तो यहां पर होमोलिटिक क्लीवेज होगा। तो मैं ये भी लिख देता हूं, होमोलिटिक क्लीवेज होगा, ठीक है, होमोलिटिक क्लीवेज होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा, अगर होमोलिटिक क्लीवेज हुआ तो जरा सोचिए क्या बनेगा। यहां पर दो यूनिट इसकी बन रही है, C6H5, उसके बाद C डबल बॉन्ड O और ये ऑक्सीजन। अब देखिए, अगर इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके पास ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितने बचे, देखिए एक इलेक्ट्रॉन तो जो इसने बॉन्ड से अभी निकाला है, उसके अलावा इसके पास क्या होते हैं, चार इलेक्ट्रॉन और होते हैं। टोटल ऑक्सीजन के पास देखिए छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, छह होते हैं ना। अब छह में से जरा गौर से देखिए, छह में से एक इसने यहां लगाया था, एक इसने यहां लगाया था, क्लियर है। तो रह गए पीछे चार, ये रहे एक दो तीन चार, लेकिन जैसे ही उसने ये बॉन्ड तोड़ा अपना इलेक्ट्रॉन लिया तो ये आ गया ना उसके पास अपना इलेक्ट्रॉन, दिखाई दे रहा है। तो फाइनली ये यूनिट आपको दिखाई देगी, विच इज अ फ्री रेडिकल, ये एक रेडिकल है जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, कोई चार्ज नहीं है, पर ये भी अनस्टेबल है क्योंकि इसको भी पेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब होगा कुछ यूं, आपको पता है यहां से ऐसी स्पीशी आपको पूरी ऑर्गेनिक में बहुत बार दिखाई देगी। तो होगा कुछ यूं कि यहां से, क्योंकि CO2 गैस अलग हो सकती है, अब CO2 गैस का अलग होना क्यों लाजमी है, उसका रीजन क्या है कि यहां पर एंट्रोपी पॉजिटिव है। आपको पता है गैस का एंट्रोपी पॉजिटिव होता है, तो यहां पर अगर गैस आजाद हो रही है, फ्री हो रही है, तो उसकी एंट्रोपी पॉजिटिव होगा, मतलब वो अपने आप से स्पॉन्टेनियस इवेंट होगा। इसका मतलब यहां से CO2 गैस को अलग किया जा सकता है और आसानी से होगी भी, हमें करने की जरूरत नहीं है, क्लियर हो गया, क्योंकि उसकी एंट्रोपी कैसी है, पॉजिटिव। और किसी की एंट्रोपी अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब वो इवेंट स्पॉन्टेनियस होगा, अपने आप होगा। अब जरा ध्यान से इसको चेक करो, पर यहां पर CO2 का तो आपको मालूम होना चाहिए, CO2 में दोनों ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, लेकिन यहां पर तो सिंगल ही बॉन्ड है और एक इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास, तो ये क्या करेगा, कार्बन, ये कार्बन क्या करेगा, अपना पीछे वाला, इसके साथ तो डबल बॉन्ड है, ये नहीं तोड़ेगा, ये इस बॉन्ड को, अपने इस बॉन्ड को क्लीव करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा। रेडिकल से रेडिकल ही पैदा होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसके एक इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड बना लिया और CO2 गैस अलग हो गई, सबको समझ में आ गया, कितने निकलेंगे, दो मॉलिक्यूल। अब इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन लिया है, तो यहां पर देखिए, यहां पर C6H5 के दो रेडिकल तैयार हो गए, दिखाई दे रहा है सब लोगों को। सो फाइनली C6H5 के दो रेडिकल यहां तैयार हो गए। अब देखिए आगे क्या होगा, फाइनली यहां पर C6H5 का जो रेडिकल है, ये C6H5 का जो रेडिकल है वो क्या करेगा, वो अब HBr के पास जाएगा, ठीक है, HBr अब HBr को फोर्स करेगा ताकि वो भी कैसा क्लीवेज करे, वहां पे होमोलिटिक क्लीवेज करे। तो यहां पर एक क्या होगा, हमें पता है C6H5 को अगर एक हाइड्रोजन मिल जाए एक इलेक्ट्रॉन के साथ, तो ये बेंजीन बन जाएगा, विच इज मोर स्टेबल, क्योंकि उसमें रेजोनेंस होता है। सो यहां पर क्या होगा, यहां पर भी होमोलिटिक क्लीवेज होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे। जैसे ही ये अलग होंगे तो देखिए क्या बनाएगा, अब ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास जाएगा और क्या, किस चीज का फॉर्मेशन करेगा, बेंजीन का, C6H6, ये अलग हो गया, प्लस साथ में यहां पर ब्रोमीन का फ्री रेडिकल तैयार हो गया, दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लिया, वो इसके साथ कंबाइन होके C6H6 बना लिया और ब्रोमीन का फ्री रेडिकल तैयार हो गया। अब जो ब्रोमीन का फ्री रेडिकल है वो अब अटैक करेगा, क्योंकि वहां पर एक इलेक्ट्रॉन है और उसे पेयर करना है, वो भी अनस्टेबल है, तो उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन है कहां, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन है आपके सबस्ट्रेट के पास, CH3, देखिए CH डबल बॉन्ड CH2, दिखाई दे रहा है, यही था आपका मेन सबस्ट्रेट जिसपे आपको एडिशन कराना था। अभी तक तो क्या हो रहा था, तैयारी हो रही थी एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगाने की, अब लगेगा देखो कैसे। सो फाइनली यहां पर BR का जो रेडिकल तैयार हुआ है वो, उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इनके पास लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं है। सो फाइनली अगर मैं यहां पर BR के रेडिकल को जोड़ने की कोशिश करूं तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले उसके इफेक्ट से यहां पर भी क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा कार्बन, सही है। अब जरा सोचिए कि इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, जब ये बॉन्ड टूटा तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, मैं मान लेता हूं कि इसको ये क्लीव हो चुका है, ये टूट चुका है। अब वो जो ब्रोमीन है अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके इसके साथ भी जुड़ सकता है और इसके साथ भी जुड़ सकता है, यस और नो। तो यहां पर दो तरह की पॉसिबिलिटीज बनेंगी, ये लीजिए मैं यहां पर दो तरह की पॉसिबिलिटीज की बात करता हूं। मान लेता हूं कि वो ब्रोमीन इसके साथ जुड़ गया, अगर इसके साथ जुड़ गया तो आपके पास ऐसा फ्री रेडिकल तैयार हुआ, कार्बन का फ्री रेडिकल तैयार हो गया, देखिए जरा ध्यान से, अगर इसके साथ वो जुड़ गया है तो
देखिए ऐसा फ्री रेडिकल तैयार हुआ है, और अगर वो यहां यहां नहीं जुड़ता है और यहां आके जुड़ता है तो आपके पास कुछ ऐसा फ्री रेडिकल तैयार होगा। जरा ध्यान से उसको चेक करिएगा। अब ब्रोमीन यहां जुड़ा है और ये फ्री रेडिकल कार्बन का तैयार हुआ। जरा ध्यान से इसको चेक करें। देखिए यहां पर जो आपके पास फ्री रेडिकल तैयार हुआ है वो 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, ठीक है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल है। ध्यान से इसको देखिए, 2 डिग्री फ्री रेडिकल है। 2 डिग्री क्यों है? क्योंकि यहां पर जिस कार्बन के पास ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको 2 डिग्री फ्री रेडिकल कहेंगे। यहां पर जो आपने फ्री रेडिकल तैयार किया है वो तो सिर्फ 1 डिग्री फ्री रेडिकल है। नाउ दिस इज 1 डिग्री फ्री रेडिकल, ध्यान से इसको देखिए। सो दिस इज 1 डिग्री फ्री रेडिकल। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये कार्बन के पास जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो दिस इज 1 डिग्री फ्री रेडिकल। क्लियर हो गया? अब जरा सोचिए, इसको ये एक इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन की भयंकर जरूरत ताकि वो पेयरिंग कर सके और स्टेबल हो जाए, तो उसको साथ देने वाले कितने हैं? 2 है या नहीं है? यहां से भी एक CH2 का ग्रुप दिख रहा है, यहां पर CH3 का ग्रुप दिखा है, वो उसको सपोर्ट करने को तैयार है। लेकिन यहां पर जरा देखिए, हाँ ये जरूर है कि यहां पर ब्रोमीन लगा है जो कि इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो थोड़ा कम सपोर्ट कर रहा है, लेकिन दो जगह से, यहां से तो बहुत ज्यादा सपोर्ट आ रहा है लेकिन यहां से तो आ ही रहा ना। लेकिन यहां पर जरा देखिए, यहां पर तो सपोर्ट करने वाला सिर्फ यही है और उसमें ब्रोमीन लग रहा है, तो इसका मतलब यहां से सिर्फ एक ही कार्बन सपोर्ट कर रहा है और वो भी उसका सपोर्ट भी कम हो जा रहा है क्योंकि ब्रोमीन लगा हुआ है, तो इसका मतलब वो ज्यादा स्टेबल नहीं है। नाउ दिस इज मोर स्टेबल, नाउ दिस इज मोर स्टेबल। और अगर ये ज्यादा स्टेबल है, हम याद रखिएगा, मैं यहां लिख देता हूं, रेडिकल के केस में भी ऐसा होता है, 3 डिग्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री रेडिकल और फिर 1 डिग्री रेडिकल। रेडिकल के केस में सेम वैसा ही होता है जैसा कि कार्बन कैटायन के केस में होता है। क्लियर हो गया? स्टेबिलिटी का ऑर्डर वही रहता है जैसा कि कार्ब कैटायन का केस रहता है। मैं लिख देता हूं, कार्ब कैटायन के केस में और फ्री रेडिकल के केस में सेम ऑर्डर होता है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। नाउ दिस इज मोर स्टेबल, तो ये जाएगा आगे प्रोडक्ट बनाने के लिए। अब आपने यहां पर क्या किया, BR का एडिशन तो करवा दिया, फिर से एक HBr का यूनिट आएगा, उसमें भी क्योंकि ये फ्री रेडिकल है तो अगेन यहां पर फ्री रेडिकल ही पैदा होगा। यहां पर ये भी अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके साइड में हो जाएंगे और ये हाइड्रोजन जाके उसके साथ लग जाएगा। देखिए ये हाइड्रोजन के वहां पर अपना अटैचमेंट कर लेगा और क्या बना रहा, जरा चेक कीजिए, CH3, CH2, उसके बाद CH2 और BR। अब आप देखिए यहां पर क्या, और फिर से क्या हुआ, प्लस साथ में यहां पर एक BR का रेडिकल फिर से तैयार हो गया, और ये BR का रेडिकल फिर से क्या करेगा, एक नई यूनिट पे अटैक करेगा। क्लियर हो गया? सो फिर से BR का जो ये है यूनिट, वो एक नई यूनिट पे अटैक करेगा। अब कई लोग ऐसे पूछ सकते हैं कि यहां पर सर BR का भी तो रेडिकल तैयार हुआ तो वो अटैक क्यों नहीं करा, तो यहां पर BR क्यों नहीं लग गया? क्योंकि BR का यूनिट बहुत बड़ा है, ऑलरेडी यहां पर एक BR का यूनिट है, यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, क्राउड ज्यादा होने की वजह से अटैक नहीं कर सकता। क्लियर हो गया? ध्यान रखिएगा, इसलिए ये यहां पर नहीं आके जुड़ेगा, ये नई यूनिट को अटैक करेगा, ये नई यूनिट को अपना निशाना बनाएगा। क्लियर हो गया? सो ये वापस जाएगा, फिर से एक नई यूनिट को पकड़ेगा, फिर से ये प्रोसेस चालू हो जाएगा। क्लियर हो गया? सो ध्यान रखिएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये तो अटैक नहीं कर सकता, लेकिन ये छोटा होता है इसलिए ये जाके यहां पर जुड़ जाएगा। सबको समझ में आ गया? सो फाइनली इस तरह से मैकेनिज्म फॉलो होता है। अब आप खुद से सोचिए, क्या यहां पर एंटी मार्कोवनिकोव का रूल नहीं लगा? एंटी मार्कोवनिकोव का मतलब यही होता था कि अगर आप यहां पर इस पर्टिकुलर यूनिट पे HBr का एडिशन करवाना चाहते हो तो मार्कोवनिकोव का उल्टा करो, नेगेटिव पार्ट उस तरफ जाके जुड़ेगा जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो। देखिए वहीं पर जुड़ा है, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पर 1 ब्रोमो, यहां पर 1 ब्रोमो प्रोपेन प्रोडक्ट बन रहा है, जबकि ये आपका मेन प्रोडक्ट था, जबकि मार्कोवनिकोव में 2 ब्रोमो प्रोपेन आपका मेन प्रोडक्ट था। सबको समझ में आ गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म रेडिकल से शुरू हुई है और आप याद रखिएगा, ये रेडिकल ही, एक रेडिकल रेडिकल को ही पैदा करता है, फाइनली रेडिकल से ही ये सारी मैकेनिज्म खत्म हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और यहां पर 1 ब्रोमो प्रोपेन जो है वो मेजर प्रोडक्ट के तौर पर बाहर आएगा। क्लियर हो गया सब लोगों को? सो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपको छोटी-छोटी 2 चीजें और बताऊंगा कि हम लोग मार्कोवनिकोव और एंटी मार्कोवनिकोव में डिफरेंस कैसे करें, ठीक है? और यहां पर एक चीज, चलो मैं यहां पर ही आंसर कर देता हूं। मैंने आपसे कहा कि ये HI नहीं दिखा सकता और HCl भी नहीं दिखा सकता, उसके रीजन क्या है, ये सवाल पूछा जा सकता है। तो आपको बता देता हूं कि HCl की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी काफी ज्यादा होती है, ठीक है? HCl के बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा हार्ड है, आपको पता होगा HF को तो तोड़ना बहुत ही हार्ड है, और HCl के बॉन्ड को तोड़ना हार्ड है। और एक्चुअल में यहां पर
एक्चुअल में ध्यान से इसको देखिए, यहां पर जितनी पावर इस्तेमाल हो रही है वो HCl के बॉन्ड को क्लीव ही नहीं कर पा रही है। क्लियर हो गया? सो इसलिए आपको पता होना चाहिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इन द केस ऑफ दीज हैलाइड्स, ऊपर से नीचे जाने पर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो होती है, बॉन्ड को तोड़ने की एंथैल्पी घटने लगती है। सबसे आसानी से कौन टूटेगा? HI। HI का बॉन्ड सबसे आसानी से टूटता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आई की साइज बहुत बड़ी है, ये आई है और जबकि ये एच है, और बॉन्ड लेंथ इतनी ज्यादा है कि ये बॉन्ड आसानी से टूटता है। तो HCl का बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता, ये आपको पता होना चाहिए। HF का बॉन्ड देखिए सबसे हार्डली टूटेगा, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। बट HCl की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो उससे थोड़ी कम होती है, HBr की थोड़ी और कम होती है, HI की तो बिल्कुल कम होती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब यहां पर बॉन्ड सबसे आसानी से कौन सा टूटेगा? HI वाला। HCl वाला तो बॉन्ड ही नहीं टूटेगा। फिर आप सवाल पूछोगे तो HI क्यों नहीं दिखा रहा, तो मैं उसको भी आंसर क्लियर करता हूं। इसका मतलब HCl की तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इतनी ज्यादा है कि ये बॉन्ड टूट ही नहीं पा रहा है, इसलिए HCl तो नहीं दिखाने वाला। ठीक है, अब सवाल उठता है कि HI क्यों नहीं दिखा रहा है। तो देखिए HI का सीन कुछ ऐसा है, यहां ध्यान से देखिए, यहां पर आपको पता है कि यहां पर देखिए जरा गौर से, ये रेडिकल ने जब HBr पे अटैक किया तो यहां पर हो क्या रहा था? Br माइनस का। अगर आपने यहां पर HI लिया होता तो यहां पर क्या बनता? I का रेडिकल बनता कि नहीं बनता? I का रेडिकल बनता। और एक्चुअली समस्या यह है कि यहां पर अगर दो I के रेडिकल्स हो गए तो वो तुरंत आयोडीन बना लेंगे। समस्या यहां पर यह है, तुरंत आयोडीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, वो आगे की तरफ मूव ही नहीं करेगा, वो रेडिकल फ्री नहीं रहते। ब्रोमीन के केस में ऐसा नहीं होता है, ब्रोमीन के केस में ब्रोमीन का रेडिकल जो है वो यहां पर अटैक करता है, लेकिन आयोडीन के केस में आयोडीन का रेडिकल आपस में आपस में ही कंबाइन होकर आयोडीन की फॉर्मेशन कर लेता है, जिसकी वजह से आगे प्रोसेस हो ही नहीं पाता है। सबको समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको कैटेगरी बताई है, सो इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। दोनों बातों का मैंने जवाब दे दिया आपको, सो स्क्रीनशॉट ले लो, लास्ट चीज पर चलते हैं, ले लीजिए। सो फाइनली गाइस समराइज कर देता हूं कि हमें मार्कोवनिकोव रूल कब लगाना है और एंटी मार्कोवनिकोव रूल कब लगाना है। देखिए यहां पर सबस्ट्रेट दोनों जगह सेम हो सकता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सबको समझ में आ गया? पहली बात तो अनसिमेट्रिकल आपके पास हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड अनसिमेट्रिकल आपके पास एल्कीन होनी चाहिए, वो हमने ले ली। अब उसके ऊपर आपने क्या किया, यहां पर HBr लिख दिया। ध्यान से देखिएगा, अब यहां पर ये चीज मार्कोवनिकोव को भी प्रोसीड करती है, एंटी मार्कोवनिकोव को भी प्रोसीड करती है, क्योंकि ये चीज आपको मार्कोवनिकोव में भी चाहिए और एंटी मार्कोवनिकोव में भी चाहिए। अगर आपके एरो पे कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब यहां पर मार्कोवनिकोव रूल लगेगा, और मार्कोवनिकोव रूल के हिसाब से आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा होगा। यहां ध्यान से उसको देखिए, ये बॉन्ड को आपको तोड़ देना है, यहां पर CH3 और यहां पर Br, ये हमने लगा दिया जी मार्कोवनिकोव। कुछ नहीं लिखा है तो मार्कोवनिकोव लगाओगे। सबको समझ में आ गया? कुछ नहीं लिखा है तो मार्कोवनिकोव लगाओगे, जिसमें जो नेगेटिव पार्ट है वो कहां जाके जुड़ेगा? जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन जिस डबल बॉन्डी कार्बन के साथ कम हो। लेकिन अगर यहां पर पेरोक्साइड लिखा हुआ है H2O2 या फिर किसी भी तरह का पेरोक्साइड यहां पर कंपाउंड लिख दिया एरो पे, तो समझ जाइएगा एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगाना है। इसका मतलब यहां पर जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 Br। ठीक है, मतलब इस बार Br इसको देना है और हाइड्रोजन इसको देना है, उल्टा कर देना है। सबको समझ में आ गया? सो दिस इज एंटी, बस इतनी सी चीज को ध्यान रखना है। बाकी जो मैंने मैकेनिज्म बताई है आपको वो आपके समझने के लिए, कई बार मैकेनिज्म से भी क्वेश्चन आ जाता है, सो स्ट्रेट फॉरवर्ड शॉर्ट ट्रिक ये है। क्लियर हो गया? सो कुछ नहीं लिखा है तो मार्कोवनिकोव, H2O2 लिखा है तो एंटी मार्कोवनिकोव, और बस आप मार्कोवनिकोव को ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव पार्ट मार्कोवनिकोव के हिसाब से नेगेटिव पार्ट उस तरफ जाके जुड़ता है जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ कम हो, एंटी मार्कोवनिकोव में उसका उल्टा कर देना। क्लियर हो गया? सो ये फाइनली शॉर्ट ट्रिक हुआ। सो गाइस आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज का होमवर्क भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। टोटल 5 चैप्टर फिनिशिंग लाइन पर है। कौन कौन से? जो लोग नए हैं उनके लिए बता रहा हूं, सॉलिड स्टेट खत्म हो चुका है, सॉल्यूशन खत्म हो चुका है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हो चुका है, केमिकल काइनेटिक्स भी खत्म हो चुका है, 4 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। इसके अलावा अनअकैडमी में प्ली ब्लॉक पी ब्लॉक भी है, वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। जो लोग पी ब्लॉक का अभी तक हाथ नहीं लगाए हैं तो प्लीज आप अनअकैडमी पर जाइए, वहां पर 15 नंबर ग्रुप 16 नंबर ग्रुप खत्म हो चुका है, 17 नंबर जो ग्रुप है बेसिकली वो भी एंडिंग पॉइंट पर है। सो आप वहां पे दोनों प्लेटफॉर्म का मदद लें और अपने कोर्स को खत्म करें, और ये ट्रिक वीडियो आप लोगों के लिए आती रहेगी। नया कोर्स कौन सा शुरू होने वाला है उसकी इंफॉर्मेशन आप लोगों को जल्दी ही दूंगा। टिल देन ट्रिक वीडियोज को अच्छे से कॉपी के अंदर लिखते रहिएगा। चलिएगा इस अगली वीडियो मिलते हैं, टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।